हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, वो आज की कौन सी ट्रिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो दोस्तों, ट्रिक आज की ये है कि आप अपने नेविगेशन बार पे यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे मेरे जो थंबनेल है वहाँ पे देख ही लिया होगा कैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। नाम लिख के उसे एनिमेटेड तरीके से उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग्स है। तो कैसे करनी है आपने, कैसे नहीं, मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊँगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं रिव्यू दूंगा। अभी जो है इसमें बीटा 3 का अपडेट आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी S10 में, UI 2.0 का, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा जो लास्ट में। तो पहले आप इस ट्रिक को जान लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टैग चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे दूंगा। तो उस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये इस तरह की एप्लीकेशन ये ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, सभी परमिशंस को अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करने के बाद ये जो है आपकी एप्लीकेशन यहाँ से ऑन हो जाएगी। तो ऑन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस बताएगी, आपने क्लिक करते जाना है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, सभी यहाँ क्लिक करते जाना तब तक ये स्टॉप ना हो जाए। हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे हैं दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पे नेविगेशन बार पे फोटो भी लगा सकते हैं, कुछ भी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में बताऊँगा कि आप यहाँ पे जो है नाम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको नेव बार टेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे नोट पे क्लिक करना होगा। नोट पे यहाँ पे आप कुछ भी लिख देंगे, मान लो कि मैं लिखता हूँ आर के न्यूज टैग, फिर यहाँ पे मैं इसे ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद मैं बैक आ जाऊँगा, बैक आने के बाद मैं इसे ऑन कर दूंगा यहाँ से। तो ऑन हो चुका है। तो इन्हीं से यहाँ पे देखते हो RK न्यूज़ टैग यहाँ पे आ गया। लेकिन आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा आ रहा है अभी, तो मैं यहाँ पे इसका साइज़ जो है बड़ा करता हूँ। कहाँ गया, टेक्स्ट साइज़ को यहाँ बड़ा, अपने बड़ा करना है यहाँ से, और बड़ा भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। तो जैसे तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ जो है बड़ा हो गया। और यहाँ पे एनिमेशन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, फास्ट स्पीड एनिमेशन की स्पीड जो है हाई ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एनिमेशन क्या क्या, यहाँ पे पल्स में रख सकते हैं, फ्लैश में रख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे फ्लैश में भी ये काम करता है, लीनियर में भी काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे, फिर उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ये देखते हो आपके फ़ोन में ये सेट हो चुका है यहाँ पे, वही बिल्कुल ही मोशन में। यहाँ पे मोशन में सेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एनिमेशन आप सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है, कोई भी आपका फ़ोन देखेगा तो वो बोलेगा यार भाई आपने ये कैसे सेट किया और मुझे भी बताइए। और दोस्तों, उसके बाद हमने जैसे आपको बताया था कि अभी जो है बीटा अपडेट 1UI 2.0 का S10 में आ चुका है, और इसके आने के बाद जो इसमें बहुत सारे बग्स थे फिक्स हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अपडेट कितने MB का अपडेट था। तो सेटिंग में जाता हूँ मैं, यहाँ पे बीटा 3 का अपडेट आया हुआ है, ये 1UI 2.0 बीटा 3 का S10 में, और ये कल ही आया था लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पे लास्ट अपडेट, तो यहाँ पे देखते हो लास्ट अपडेट जो थी ये कल ही आई है, 363 MB की ये अपडेट है। और ये इसमें जो है आपको बहुत सारे बग जो हैं फिक्स किए गए हैं, द स्क्रीन फ्लिकर, बहुत सारे यहाँ पे बग्स वगैरह फिक्स किए गए हैं। मुझे सबसे बढ़िया ये लगा कि यहाँ का जो नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, कई बार जो था यहाँ पे ब्लू, बिल्कुल ब्लू आ जाता है, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है इस अपडेट बीटा 3 अपडेट आने के बाद। और जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे 1UI 2.0 के और डिवाइसेस को लेकर तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।